नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में और मैं हूँ श्रीकांत। बिहार में नगर निकाय चुनाव हो रहा है, मधेपुरा में पहला चरण में चुनाव होना है, इसको लेकर प्रत्याशी नॉमिनेशन दिए सिंबल आ गया है और लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं और जनता से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपना जो वादा है जनता से वो उनको बता रहे हैं। 10 तारीख को चुनाव होना है, इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं मधेपुरा के वार्ड नंबर 12 से प्रत्याशी हैं वार्ड पार्षद पद के, मोहम्मद शफीक आलमी। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है द बिहार बुलेटिन, जो हम लोगों को इतना बड़ा मंच दिया है जनता से रूबरू होने के लिए इस चुनावी समर में। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शफीक जी लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, पूरा आप इससे पहले एक चरण वार्ड पार्षद रह चुके हैं, उससे पहले आपकी पत्नी रेशमा प्रवीण जी वार्ड पार्षद रह चुकी हैं। क्या क्या वार्ड में विकास किया है आपने? देखिए, 2002 में जब पंचायती राज लागू हुआ था, उस वक्त आंगनबाड़ी केंद्र नहीं था, नाला नहीं बना हुआ था, सड़कें बिल्कुल कच्ची जर्जर थी और शिक्षा का बहुत अभाव था। हम लोग के वार्ड में, हमारे मधेपुरा शहर में, हम लोगों ने इन चीज़ों पे काम किया है। आज के डेट में मेरे वार्ड में एक भी जगह नाला बचा हुआ नहीं है, पूरे वार्ड में नाला बन गया है, पक्की सड़क बन गया है। लेकिन कहीं कहीं हम इस बात को एडमिट करते हैं, मानते हैं कि जो सड़क बनी है वो कहीं कहीं टूट गया है और उसमें भी हम लोग अपना प्लानिंग कर रहे हैं, वो फिर से उसको हम लोग ठीक ठाक करेंगे। ये रोड का टूटना और बनना ये तो जारी रहेगा, क्योंकि अब कच्ची सड़क मेरे वार्ड में है नहीं, तो हम लोग उस पर वो काम करेंगे। आपके वार्ड में रोड की भी आपने बताया कि कुछ सड़कें टूटी हुई हैं, आवास योजना जो सरकार का आता है या फिर जो पेंशन योजना आता है या फिर और शौचालय योजनाएं आती हैं, इसकी क्या स्थिति है? देखिए, मेरे वार्ड में जो राशन कार्ड बनना है, सरकार की तरफ से बना है, वो 100% लोगों को बना हुआ है और सरकार ने ऐसा प्रावधान कर दिया है कि सालों भर राशन कार्ड बनता है। पेंशन में क्या आपका 60 साल पूरा हो गया, किसी से नहीं पूछना है, सीधा आप अपना आधार कार्ड लेकर आइए, आप पेंशन बनाइए। हमने अपने रीजन में प्रधानमंत्री योजना में 150 लाभुक को प्रधानमंत्री आवास योजना दिया है, जिसमें कई का चारों किस्त पूरा हो चुका है, किसी को तीसरा किस्त मिल चुका है, किसी को दूसरा, किसी को पहला। ये काम पूरा हो गया और हमने चौथी सूची भी यहाँ से नगर परिषद से अनुमोदित करके हम लोग सब 26 वार्ड पार्षद उसको भेज चुके हैं स्वीकृति हेतु पटना। और वो हमको लगता है कि ऐसी चुनावी प्रक्रिया का रुक गया है, जस्ट वो जो है ना, चुनाव के बाद वो आ जाएगा, फिर जो उस पर हम लोग भी काम करेंगे। क्षेत्र शौचालय के में लिए जो है 185 शौचालय मेरे वार्ड नंबर 12 में बना है गरीब लाभुकों के लिए। अब ये समस्या है कि एक भी व्यक्ति, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो खुले में शौच के लिए जाते हों, ये मेरे लिए सबसे फख्र की बात है। और ये प्रधानमंत्री जी जो हमारे लिए ये हम लोगों के लिए योजना निकाले, इसमें वो 100% सफल है। मैं इस योजना को चलाने के लिए उनको भी धन्यवाद देता हूँ। क्षेत्र में आपके वार्ड से कई लोग खड़े हुए हैं, इस परिस्थिति में एक बार फिर से आप भी मैदान में आए हैं, तो इसमें अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? देखिए, पिछले बार भी हमारे साथ यही सिचुएशन था, पिछले बार भी 6 कैंडिडेट था, इस बार भी 6 कैंडिडेट है। तो ये जो मेरा वार्ड नंबर 12 है नगर परिषद के अंतर्गत, वो वार्ड नहीं है, वो हम लोग का एक परिवार है। अब हम लोग उसको वार्ड के रूप में नहीं देखते हैं, सबको अपना माँ बहन मानना, जो मेरी माता है उसको हम लोग उस तरह से सम्मान देते हैं, जो नवयुवक है, जो मेरे बड़े भाई हैं, जो मेरे बुजुर्ग हैं, सबको हम लोग अपना परिवार मानते हैं। कभी वार्ड शब्द मेरे लिए यूज हुआ ही नहीं, और इसी आशा और उम्मीद के साथ हम ये विश्वास लेकर आए कि हम लोग इस बार फिर जो है अपने जनता जनार्दन के सहयोग से फिर से हम एक बार
पार्षद बनेंगे, ये मेरा एकदम संकल्प भी थे हम लोग और मेरा जनता भी हमारे लिए तैयार है। वार्ड की जनता एक बार फिर से अगर आपको चुनती है तो क्या प्राथमिकताएं होंगी काम की? देखिए, दो तीन काम अभी हमारे लिए प्राथमिकता में है। सबसे पहला है कि नाला से जो है जल जो है ना वो निकल जाता है, वो कहीं कहीं घिसता है, तो उसके लिए ये बड़ी समस्या है, नाला की बड़ी समस्या। जी जी, इसके लिए हम लोग जो है ये प्लान करके हम लोग उसको दे चुके हैं कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे नदी में, क्योंकि ऐसा प्रोविजन है कि आप नदी में गंदा पानी नहीं गिरा सकते। तो उसके लिए जो है ना हम लोग अपने कई बार प्रस्ताव लेकर के हम लोग विभाग को भेजे और वो जल्द ही वो जो है उस पर हम लोग काम करेंगे कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे और नाला का पानी जो है सीधे उस नदी में गिराया जाए। तो इस पर मेरा ये काम बचा हुआ है, तो इसको हम लोग प्राथमिकता के लिए आधार पर बनाएंगे। जो 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 प्रधानमंत्री आवास योजना में जो लाभुक छूटे हुए हैं उसके लिए हम लोग वचनबद्ध है कि चूंकि सरकार जब वचनबद्ध है कि जिसका घर कपड़ा टीना फूस का चदरा का है उसको देना है, तो उसमें हमारे यहाँ जो दो चार कलम छूटा हुआ है उसको हम लोग इस बार उस काम को पूरा कर लेंगे। ये आपकी प्राथमिकताएं हैं। चलिए, सिंबल भी आ गया है, आपका सिंबल क्या है? मेरा सिंबल है वायुयान छाप, मेरा क्रम संख्या 4 है और मैं जनता से अपने वार्ड नंबर जनता जनार्दन से वार्ड नंबर 12 के जनता से हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप एक बार फिर से हमको चांस दीजिए, फिर से जिताइए ताकि हम आपका बचे हुए जो कार्य है उसको हम पूरा कर सकें। चलिए, तो हमारे साथ सफीक आलम जी थे, वार्ड नंबर 12 से प्रत्याशी हैं, वायुयान छाप है, क्रम संख्या इनका 4 है, चुनाव मैदान में है, लोगों के बीच जा रहे हैं और कह रहे हैं कि लगता है कि फिर से जनता इनको आशीर्वाद देगी और अपना वोट देकर एक बार फिर से इन्हें वार्ड पार्षद के रूप में चुनेगी। खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे इस खबर को फेसबुक पेज पर देख रहे हो, पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।